हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। नया दिन नया व्लॉग। अच्छा तो ना, मुझे जब से मैंने वो वीडियो डाला है ना अपना इंडियन ग्रॉसरी स्टोर वाला, मुझे इतने सारे लोगों ने मैसेज करके बोला कि ओ ये तो बहुत महंगा है, सामान कितना महंगा है फिनलैंड के अंदर। और एक बार मुझे और फिर ये भी उन लोगों ने बोला, घर तो महंगे थे यहाँ पर सामान इतना महंगा है, कैसे हम सर्वाइव करेंगे यहाँ पर, और क्या क्या सामान मिलता है यहाँ पर, सारा कुछ इतने इंडिया से इतना ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर इंडिया से ऑफकोर्स कॉस्टली सामान मिलता है, हम फिनलैंड के अंदर हैं। एक यूरो जो है वो लगभग इस टाइम पर आई थिंक 86 रुपये का है, तो आप मान ही सकते हैं कि महंगाई तो है फिनलैंड के अंदर। पर हाँ, आज हम जा रहे हैं इसीलिए एक ऐसे स्टोर के अंदर, ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वहाँ महंगी मिलती हैं, कुछ कुछ सस्ता सामान भी मिलता है कि नहीं। और फिर बात करेंगे कि उस सामान की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है फिनलैंड के अंदर, मतलब उस स्टोर को फिनलैंड खुद बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है कि लोग वहाँ पर आए और वहाँ से सामान खरीदें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पर बिफोर आई डू दैट, आपको पता है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आपका वही सब्सक्राइब का बटन है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि मैं जा सकूँ नई नई जगह और एक्सप्लोर कर सकूँ फिनलैंड। और आजकल ना मास्क यहाँ पर डालना सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे कंपलसरी है। तो बस स्टॉप पे मैं उतर गई थी, हमें लगे लगभग 12 मिनट यहाँ पहुँचने में, एंड फिर वहाँ से जो है हम वॉक कर रहे हैं। बारिश स्टार्ट हो गई है, मौसम बहुत ही ख़राब, यही प्रॉब्लम है मौसम की, जब वो ट्रांजिशन होता है ना फ्रॉम ऑटम टू विंटर्स तो बहुत ही ख़राब होता है। ये देखो दिन निकला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा ग्रे एनवायरनमेंट है, हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो फाइनली मैं इस जगह पे ना पहुँच चुकी हूँ, इस जगह को बोलते हैं कियराता केस्कुस, इसका मतलब है रिसाइकिलिंग सेंटर। और फिनलैंड के अंदर काफ़ी सारी जगह पे अलग अलग तरह के रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं, और वहाँ पे मिलता है काफ़ी सारा सामान, घर का सामान मिलता है, कपड़े मिलते हैं, स्पोर्ट्स का सामान मिलता है, फर्नीचर मिलता है, बट हाँ ये सारा सामान यूज्ड होता है और लोग यहाँ पे इसको डोनेट कर देते हैं, एंड फिर ये उसको नॉमिनल से प्राइसेस पे, कुछ नॉमिनल होते हैं कुछ ऑफकोर्स ज़्यादा भी होते हैं, वो अंदर जाके चेकआउट करेंगे कई चीज़ों के प्राइसेस, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि उसको किस तरह का प्राइस कैसा पसंद आ रहा है, बट हाँ यहाँ पर होता है सारा ही यूज्ड सामान। मेरे देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है सी सान काउंटी, इसका मतलब है एंट्रेंस, यहीं से हम एंटर करेंगे। और एक ये बड़ा सा कंपाउंड है, मतलब एक मॉल की तरह ही है ये, और इसके अंदर बिकता है काफ़ी सारा सामान, इसको आप एक तरह का सेकेंड हैंड शॉप भी बोल सकते हो या फिर यूज सामान है इसके अंदर। लोग बेसिकली यहाँ पे सामानों को डोनेट करते हैं, कोई इसकी कॉस्टिंग नहीं लगती, अगर मुझे कोई सामान यहाँ पर देना है फिर उसके बाद उसको वो ठीक ठाक करके ना यहाँ पर बेचने के लिए लगा देते हैं। और ऐसे ही ना ओपन में सामान ये लगा होता है टेबल के ऊपर, पूरा का पूरा डिस्प्लेड होता है, और जो भी आपको चीज़ें पसंद है आप स्टार्टिंग में अपनी बास्केट या अपनी ट्रॉली को उठा सकते हैं, फिर जो भी आपका बजट है अगर आपको कोई भी चीज़ पसंद आती है ट्रॉलीज में रख सकते हैं और फिर जाके कैशियर को पे कर सकते हैं। हालांकि जितने भी कपड़े यहाँ पर डिस्प्लेड हैं वो हैं तो यूज्ड आइटम्स ही, किसी ने किसी टाइम पे पहने हुए और फिर उसके बाद इनको डोनेट किया है, पर ये सारे के सारे ना पूरा धो धा के उसे ड्राई क्लीन करके ड्राई करके प्रेस करके और एक नॉमिनल सा प्राइस चार्ज करते हैं और फिर इनको डिस्प्ले में डाल देते हैं। और मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग इनको लेके जाते हैं, पर हाँ अगर किसी के मन में ये डाउट है कि जिसने किसी ने पहना हुआ है उसको एलर्जीज हो सकती हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों के पास पेट्स भी होते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर हाँ इस तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं। और ये है कुछ फर्नीचर भी डिस्प्लेड यहाँ पर, जितने भी रिसाइकलिंग सेंटर्स हैं ना इनके पास एक और स्पेशल फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि आपका सामान पिक भी कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको देने पड़ेंगे इनको 9 यूरो और 90 सेंट। तो ये घर पर आएंगे और आपका जो भी फर्नीचर है अगर कोई या कोई हैवी सामान है जो आप डोनेट करना चाहते हैं तो उसको भी ये लोग पिक कर सकते हैं।
तो मैं ना ये किए रहा था उस केस्कूस मतलब जो रिसाइकलिंग सेंटर है इनकी वेबसाइट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वेबसाइट को ट्रांसलेट करके आप पढ़ भी सकते हैं इनके बारे में, इनका कॉन्सेप्ट और क्या है, किस किस तरह के आइटम्स ये एक्सेप्ट करते हैं और कौन से आइटम्स जो है ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, ये मेरे पीछे आपको दिख रहे हैं ये दोनों, ये कैरियर्स हैं बेसिकली, और इनका बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है फिनलैंड के अंदर, मतलब और भी कंट्रीज़ में होगा बट मैंने तो फिनलैंड में देखा है इसे। ये बेसिकली क्या है, जो आपकी गाड़ियाँ हैं ना उनके वहाँ हुक लग जाते हैं और उसके पीछे ये लग जाता है एंड इट्स अ कैरियर। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ये वाली जगह से, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको कोई बड़ी सी गाड़ी को रेंट में लेने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपका सामान उठाएंगे। सपोज़ अगर आप यहाँ से सोफ़ा लेते हो, आप कैरी कैसे करने हैं, गाड़ी में तो आ नहीं सकता, तो फिर आप क्या कर सकते हो, उसको यहाँ से पिक कर सकते हो एक टाइम के लिए, आई थिंक 2 या 3 घंटे के लिए मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे। अंदर से आपको पता करना पड़ेगा, शायद पहले उसके कुछ चार्जेस देने पड़ेंगे 50 यूरोज़, एंड देन फिर आप जब आप इसको वापस करोगे तो आपको वो 50 यूरोज़ वापस मिल देंगे। 50 है या 40 है वो डिपेंड करेगा, वो प्राइसेस ऑफ कोर्स जो है चेंज होते रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और ये रहा किचन वेयर या फिर इनकी कटलरी के आइटम्स। चीज तो माननी पड़ेगी कि जितना यहाँ पे सामान डिस्प्लेड है, खरीदो या ना खरीदो, पर आपको इनका जो कल्चर है या जो इनका ट्रेडिशन है, ये क्या क्या चीजें इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की चीजें यूज करते हैं, उसके बारे में तो काफी ज्यादा नॉलेज गेन हो सकती है। और कभी ठंड में अगर आइस स्केटिंग करने का मन कर गया तो यहाँ पर बहुत सारे ना मैंने आइस स्केटिंग के स्केट्स देखे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, और ऐसे ही नहीं कि सिर्फ स्केट्स अवेलेबल है, हेलमेट्स भी अवेलेबल थे और बहुत सारे स्पोर्ट्स के भी आइटम्स अवेलेबल हैं। तो जितने भी स्पोर्ट्स करने के शौकीन हैं यहाँ पर भी एक राउंड मार ही सकते हैं। आपने देखा ना इसमें कितना तरह का सामान मिलता है और काफी सारे लोग हैं जो इस सामान को बाय करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ प्रेफर करते हैं कि मॉल्स में जाना, दे रियली फील इन फिनलैंड की हाँ अगर हम सामान को यूज भी किसी का है उसको यूज कर सके थोड़े टाइम तक एंड फिर उसको थ्रो कर सके, तो हमारी जो नेचर है उसको हम बहुत अच्छे से रिसाइकल कर सकते हैं एंड फिर ऑफकोर्स नेचर को एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यही इनका कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं इस चीज़ों को। और मैंने ये भी सुना है कि जितने भी यहाँ पे एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ना उनकी सैलरीज जो है वो इसी पैसे से निकल के आती है जो यहाँ पे लोग सामान देते हैं। तो यहाँ पे आपको देने का सामान देने का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, मतलब अगर मुझे कोई सपोज जैकेट देनी है, मेरी जैकेट ख़राब हो गई, मेरी जैकेट पुरानी हो गई, मैं उसको यूज़ नहीं करना चाहती हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे आके उनको डोनेट कर सकती हूँ, मुझे उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा। बट हाँ वो आगे इसको पूरी साफ साफ करके ड्राई क्लीन धो धा के लगा देंगे एंड देन फिर इसको जो है फिर वो इसको मिनिमल फिर जो भी इनकी कॉस्टिंग होती है उसके हिसाब से ये उसको बेच पाएंगे। तो यही था आज का व्लॉग, आपको आई होप पसंद आया हो और एक नया फिनलैंड देखने को मिला हो कि यहाँ इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पर रहती हैं फिनलैंड के अंदर और बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें एंड ऑफकोर्स इसे शेयर करते रहें।